जिनकी किस्मत में लिखी थी जीत, जिनके तारों में लिखा था खिताब, ऐसे इंडियन आइडल विनर को जीत का सलाम। बस यही कहता है पवनदीप राजन की इंडियन आइडल सीजन 12 का विनर बनने का सफर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप भी सिंगर पवनदीप राजन की मल्टी टैलेंट को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, उनकी फैमिली, गर्लफ्रेंड, फिजिकल अपीयरेंस, उनके करियर, फेवरेट थिंग्स और दोस्तों उनसे जुड़े कुछ खास फैक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन का जन्म 27 जुलाई 1996 को उत्तराखंड के चंपावत जिले के वलचोड़ा गाँव में हुआ और चंपावत से ही पवनदीप ने पढ़ाई की। दोस्तों बात करें अगर पवनदीप राजन की फैमिली की तो आपको बता दें कि पवनदीप राजन हिंदू फैमिली से हैं। इनके पिता का नाम सुरेश राजन है जो कि कुमायनी सिंगर हैं। ताऊ सतीश राजन भी एक क्षेत्रीय सिंगर हैं। पवनदीप के दादा स्वर्गीय रति राजन भी अपने समय के प्रसिद्ध लोक गायक थे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि पवनदीप की नानी जी भी एक फोक सिंगर यानी प्रसिद्ध लोक गायिका रह चुकी हैं। यानी कि दोस्तों पवनदीप राजन को संगीत की कला विरासत में ही मिली है। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन की माताजी का नाम सरोज राजन है जो कि एक गृहिणी है। पवनदीप की दो बहनें हैं ज्योतिदीप राजन और चांदनी राजन। दोस्तों ज्योतिदीप राजन भी पवनदीप की तरह गाने का शौक रखती हैं, यानी कि वे भी एक सिंगर हैं। जी हाँ दोस्तों, पवनदीप राजन अभी तक अनमेरिड हैं और इनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हालांकि दोस्तों इंडियन आइडल 12 में पवनदीप का नाम सिंगर अरुणिता कांजीलाल से खूब जुड़ा। दर्शकों को दोनों की जोड़ी पसंद भी आई, लेकिन पवनदीप अपने कई इंटरव्यूज के जरिए यह खुलासा कर चुके हैं कि अरुणिता सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं और लव जैसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों पवनदीप राजन इतने टैलेंटेड हैं कि जब वे 1.5 या 2 साल के थे तब से ही तबला बजा रहे हैं जो कि उनके पिता ने उन्हें दिया था। वहीं दोस्तों पवनदीप राजन कितने टैलेंटेड हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इंडियन आइडल 12 के मंच पर पवनदीप राजन ने कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए परफॉर्मेंस पेश की। हारमोनियम से लेकर ढोलक, तबला, पियानो, गिटार, वायलिन और माउथ ऑर्गन से लेकर अकॉर्डियन का कमाल पवनदीप ने बखूबी दिखाया। जी हाँ दोस्तों पवनदीप राजन की फिजिकली अपीयरेंस की बात करें तो आपको बता दें कि पवनदीप की हाइट 5 फीट 5 इंच है। इनकी आंखों और बालों का रंग भूरा है। पवनदीप की फेवरेट थिंग्स की बात करें तो आपको बता दें कि सलमान खान पवनदीप राजन के पसंदीदा एक्टर हैं, जबकि पसंदीदा सिंगर शान हैं। गाना और संगीत सुनना पवनदीप राजन का शौक है। क्रिकेट इनका पसंदीदा खेल है। जी हाँ पवनदीप राजन से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स की बात करें तो आपको बता दें कि पवनदीप ने मात्र 2.5 साल की उम्र में ही यंगेस्ट तबला प्लेयर का खिताब जीता था। दोस्तों पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट रहे जो गाने के साथ साथ लगभग कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते थे। इंडियन आइडल सीजन 12 के कंटेस्टेंट रहे महाराष्ट्र पुणे के आशीष कुलकर्णी पवनदीप राजन के सबसे अच्छे और खास दोस्त हैं। दोस्तों पवनदीप राजन के म्यूजिक करियर की शुरुआत साल 2015 में हुई जब उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो द वॉइस इंडिया सीजन 1 जीता था। पवनदीप राजन एक अच्छे सिंगर ही नहीं बल्कि कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। देश और विदेशों में लाइव परफॉर्मेंस की जानकारी पवनदीप राजन की ऑफिशियल वेबसाइट pavandeep.com पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों 15 अगस्त 2021 की रात पवनदीप राजन कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस दिन इंडियन आइडल सीजन 12 की विनर के नाम का ऐलान किया गया था और शो में पहुंचे टॉप फाइनलिस्ट अरुणिता कांजीलाल, सहेली कामले, निहाल तावरो, सानमुखा पिरिया और मोहम्मद दानिश को पछाड़ कर पवनदीप राजन बने थे इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर। वहीं दोस्तों इनाम के तौर पर पवनदीप को इंडियन आइडल 12 की चमचमाती ट्रॉफी, 25 लाख रुपए का चेक और एक स्विफ्ट लग्जरी कार दी गई। और बस यहीं से शुरू हो चुकी है पवनदीप राजन की लाइफ स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 को जीत कर स्टार बन चुके पवनदीप राजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके बताएं जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।